मंगाए तू तुम्हारे लिए पंडित जी। अरे बढ़िया सी बैलगाड़ी मंगाए तू, अरे तुम बाप बैठ के चलियो कहनाए, तुम बाप बैठ के चलियो कहनाए। ऐसी सवारी पर मैं ना जाऊंगा, ना कहू के जाएगी कमाई खाना तक बैठो। अच्छा तो कहू की जाएगी कमाई नहीं खाते हो, फिर काई की कमाई खाते हो? पहले हाथ तो खाते ढोलक बाजेगी हाँ? और फिर सरकार ने बहुत तेरे चला दे, कोई आयसर है, कोई एस्कॉर्ट है, कोई जीटर है, कोई फोर्ड है, और आयसर से किसान को ज्यादा फायदा है। अच्छा चाहे तो आप कंटीमीटर जुतवा लो, चाहे हेरोंडर रवा लो, और मन आवे तो पानी निकाल लो। ए कर रहे हो जब पटा चढ़ाओ बोर पर लिखा रहे हो ना पानी है? अच्छा आई से ट्रैक्टर से मैं भाई साहब कबू ना है को बैल पे तो तुम बैठोगे नहीं ना। एक सवारी है बोल। अरे बढ़िया सो तुम्हें ऊंट मंगाए तू, चलियो पहनाए बाप बैठ चलियो पहनाए। अरे काठी कठी लोई है चको बैठो, काठी कठी लोई नपो छोड़ो, आधे सर दंड नहीं अपना साल, ये सवाल मेरे मन में खड़ा। ऊट ऊट से तो भीत पे बैठ ले, जब सास को चंतुनाया से करके बारह मचका लेगा तो पेट में मिर्च को बीज एक ना छोड़ दो। जो बेकार है भगवान ऊट देख रहे हो, सास को धक्का से लगा चलतुआ से करके। तो एक सवारी है अच्छा हो तो बैठो। अरे बढ़िया सो तुम्हें हाथी मंगाए दी, बापे बैठ के चलियो बनाए तुम, बापे बैठ चलियो मैं चार और पचो पाल कहियो बना साली पचो पाल। बेकार है हाथी ना सारे में नाथ ना पखैया ना कोई ब्रेक ना क्लिच, आको सास को को दब तोरी को तो चले सोली को आको सो मानो ना मानो, और वो ऐसे मुट्ठी सी बांध के पचाए पाकी ना चंतु वो कहूं घुमा के डाल ले पीठ पे और हमारी भांस ले टेटिया और धल ले टांगन में और कहूं धत्ते लात, तो कहूं आत्मा होंगी कहूं पंडित जी होंगे। भगवान हाथी को सामान तो हाथी झेल सकत है मेरे बताई बात। तो जे बेकार है सवारी, पंडित जी तुम दिमाग खराब मत करो बिल्कुल। तू अगर सवारी हो तो बताना अपने घर को जा, पंडित जी ना जाए। अरे रुको पंडित जी एक सवारी है। वैसे सवारी तो है समझने वाले सो। अरे बढ़िया सो एक गधा मंगाए तू, अरे बढ़िया सो एक गधा मंगाए तू, बैठ के चलियो कनाए बाप बैठ के चलियो के फूट जाए परे परे चलियो बिना साली बिना मौत। गधा गधा जब करके पत्ना तो सो मार के तब तक दुए भगवान, बाकी दुलत्ती से भगवान ही बचावे। गधा को कबू रब रबी ना आवे और असाड़ की रब्बी में देख ले गधैया तीन को पल्लंग तो यहाँ से कांटोरे आवे वैसे करके। दस रुपया भगवान और दस रुपये नितिन,
ये 20 रुपए दूध पीने के लिए ले रहा है, जो बेकार है सवारी। मैं गधा पे ना जाऊंगा, गधा पे तो बैठते हैं जो बुरो कर्म करते, मैंने कौन सा बुरो कर्म करूंगा। तो तुम्हारे तुमसे ज्यादा बुरे कर्म तो है ही कौन से, बताओ जो हाथ टूटो पर हो बुरे कर्म से ही। जो आइया दूरो से लात मार दई है क्या गैया। हां गैया गैया। 50 रुपए राजेश दिवाकर ये नौते में दे रहे हैं, तो बैठोगे नहीं? कोई सवारी ना समझ गई तुम्हारे, तू अपनो काम कर। एक सवारी है, एक है सवारी तो है, सवारी तो है, सवारी तो है। एक सवारी है, अरे पतरिया का बदल चप्पल छोड़े जो बने, अरे पतरिया का बदल चप्पल छोड़े जो बने, तुम्हे थोरो बचन ये जी। ये क्या कर रहे हो तुम? तू क्या कर रही है? मैं तो अपनी जवानी की अंगड़ाने ले रही हूँ। मैं सास के को बुढ़ापो घिट्टो कर रहा हूँ। तुम्हारा बुढ़ापा क्या करता है? तेरी जवानी क्या करती है? मेरी जवानी, हाँ मेरी जवानी क्या करती है? रघुवर के चूल्हे में आग। तेरी जवानी रड़ुवन के चूल्हे में आग। हाँ, और तुम्हारा बुढ़ापा? हमारो बुढ़ापा रड़ुवन के चूल्हे में पानी। अरे पतरिया कमर लचपन छोरे जो बने, थोरो बजन की कहियो बनाए, थोरो सो बजन की कहियो बनाए, और मैं तो पानी ना सबसे कमजोर, जाएंगे तुम्हारे जे का जे तीन का जे तीन जे तीन सौदा कौन कौन सी जे लोटा और जो पत्रा और जो सोटा। अब जे तीन चीजें कमान खान की है, सो तो पे जाऊंगी ना फिर का मैं कदैया ही पूछो को पंडित हूं। मैं तो कछ और समझ रही। चल कछ तो ले ला, ला पत्रा ही ले ला, मेरे ले ले चली परंगी जो तो ले चली परंगी तो ला। अरे मोते को लगाए ब्रह्मन है बांधी लटकनी धोती, और छोटा ले लो हाथ हाथ में जिना देखनी धोती, झूठ के बोले गए गए ब्राह्मण में पूछ तो बोली तो देखो तो। अरे हो चौदह दिन मेरी मैया तू पीते, अरे कोई खबर दई ना ब्राह्मण मोरे मेरी कैसे छोड़ी ग
गंगा भोजन बनहारी अर्थ धोना हुआ। महाराज तुम्हारी माँ ने इस बात की जिद धरी, महाराज मुझे गंगा नवाओ, 200 से उद्धार कराओ। अच्छा, तुम्हारे पिता ने कहा था रानी जिद मत वादो, मैं गंगा से कलश भरवा दूंगा तुम्हारे लिए, मलमल के स्नान करा दूंगा। तुम्हारी माँ बोली के नहीं, जब तक मैं गंगा में गोता नहीं मारूंगी तब तक 200 से उद्धार नहीं होंगी। ऐसी मन की मौत एकदम चित्त में आकर के तुम्हारे पिता ने कटीली सजवा ली, बातों बातों में लगाए फेरा, गंगा पे लगा दिए रावटी फेरा। महाराज इस बात को हमारे लिए बुलवाया। अच्छा, पंडित जी पत्रा खोल करके वेद को विचार के ये बताओ शुभ पर्व क्या वजह का है जो नहाने वाला पर्व है जिसमें का तरन होगा। अच्छा महाराज, मैंने ग्रह को काट के पत्रा को देख करके मैंने कहा जो 4 बजे गंगा नहाएगा वो तर वैकुंठ धाम को जाएगा। तुम्हारे पिता ने इसी तरीका से मंत्री को बुलवा लिया। अच्छा, और मंत्री को इस बात को समझा दिया कि मंत्री जाओ इस बात का ढड़ोरा पीट के आओ गंगा की पार पार, कि सबसे पहले रानी मंजा नहाएगी, उसके बाद जग संसार नहाएगा, जो मंजा से पहले नहाएगा वो नरवर कीजिए 10,000 रुपए जुर्माने के दे के जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? महाराज वो मंत्री इसी तरीका की मनादी बजाता हुआ गंगा की पार पार चला गया। अच्छा, कोट कंपल का फूल सिंह पंजाबी दिल को लड़ते जिन रात को संग लड़ती थी, मार मार के सैकड़ों गढ़ कर दिए, हल्ला फैस फैलो 14 जोश, मार मार के जोगत करते ही पंजाबी को नाम हो लाखन कोश। वो भी महाराज अपनी फौज लेकर के आ गया था तो उसकी बेटी सरबती कहने लगी कि महाराज ये किस बात का डंका लग रहा है, तो पंजाबी ने उसे हिंदी में समझाया कि बेटी पतव्रता रानी स्त्री मंजा वो 200 से उद्धार होने के लिए आई है, सबसे पहले मंजा नहाएगी उसके बाद जग संसार नहाएगा। पिता को डांट लगा दी उस सरबती ने, नहीं इस बात का डंका बजवाओ कि सबसे पहले बेटी सरबती नहाएगी उसके बाद संसार नहाएगा, जो सरबती से पहले नहाएगा वो कोर्ट कंप्लीट कीजिए 20,000 रुपए जुर्माने के दे के जाएगा। अच्छा, तुम्हारी मेहतारी जल में पहले गोता लगाना पाई, सरबती ने जादू के जोर से जल ही जल में चुरवा। तुम्हारे पिता ने धीमर बुलवाए, जान डलवाए, गोता खोर बुलाए, मगर तुम्हारी माता जी का पता नहीं चला महाराज। अच्छा, वो डेरा को ले गई थी, डेरा से रोने की आवाज आई, तुम्हारे पिता ने लेकर के फौजे उस डेरा पे करी चढ़ाई। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बातन बातन अरे राजनीपत में बोलू भैया, और बातन में पड़ गई रात, अरे तेज लड़ाई चाचा ना हारे, अरे जादू से प्रथम की बसाई हाक मना वे कई दंड पावले बापेरी पंजाबी ने
के रुपया के जन प्रथम गंगा से ऐसो लगायो नजरा जादू चला के सरवती ने गंगा पे सब फौज कर डारी पथरा तुम कैसे बचे मैं तो लुटिया में जल लेके गंगा पल्ली पार जंगल फिरने लग गया तू वो ही ब्राह्मण निकला जा ब्राह्मण की पीरी से मैं भारा पाए कोए एक समय हरिचंद दिए छनक में खोए हरिमान जनक दुलारी हनुमान चले करी लंका की खुआरी मौत का ये ही संबंध सौ सौ किस्म खाए न माना तो सो घटिया ब्राह्मण जो तो करे दई पल्लो की सब बात झगड़ो बढ़ाओ धन्यवाद करता हूँ स्वागत करता हूँ शुक्रिया मेरे करी नादानी झूठ बोले सच बोले महाराज तुम्हारे सपने सच्चे हैं कह दो हमारे सपने झूठे हैं नहीं सच्चे मेरे लिए करना क्या चाहिए सुनो तुम घोड़ा सजा लो
वनवासन में जाके मैया की छुटैया पिया कह दे संग चलूंगी पिया कोट कपिल को चल के मैया की कतवाल पिया कह दे अरे ताल बना पिया कोट कपिल को सावरिया कंपल पसे दी घुंब पहनाए बलम मेरे जग दुनिया में क्या मेरे साथ कंपनी के लिए जी मेरी जो कछुरे गई सोया बना रही बेहाथ चरण में कट जाएगी ना अच्छा ओ चल भाई अनुके बैठन का लड़ना है हुक्का बुढ़ा पोते भुजबन अच्छा और ये गड़िया के रहने वाले ये नितिन बाबू 50 रुपये नौते में दे रहे हम हाथी की बार बार धन्यवाद दे रहे हैं क्या भैया पाली उमरिया के रे से जादे ते मुख पे पहरे दूत की धार और ये 50 रुपया ये नितिन बाबू हैं गड़िया की ओर से उनके दादे दे रहे हैं बाबा 50 रुपया ये नौते में दे रहे हैं हम हाथी की बार बार धन्यवाद और 100 रुपया जयपाल सिंह ये नौते में दे रहे हैं गड़िया की ओर से और ये 50 रुपया भानु यादव नौते में दे रहे भैया चंदा नाय रे छिपे पातर में के मोरे छिपत रे पनिया में नाय और चंचल ने छिपत ना मेरी चोरे में बजरिया लुट गई है रे चपरिया में एक बात ये बताओ मेरी जान से आपकी बदनामी हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल और जो आपकी माता जी है कोट कपिल में फूल सिंह पंजाबी की कैद में अच्छा वो करने के काम है वो भी करा रहा है जो नहीं करने के वो भी करा रहा है ले ओ अब एथी रहने दो इससे आपकी बदनामी नहीं हो रही इसलिए एक काम